हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचबी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। एक ओर कोरोना संक्रमण का खतरा, वहीं दूसरी ओर मौसम की मार, परंतु जिला पुलिस लगातार अपने कर्तव्य में तत्परता से लगी हुई है। अपराधियों के हौसले पस्त करते हुए जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में नित नई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है एवं जिले में अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर राजगढ़ जिले के करणवास पुलिस ने अवैध हथियारों का परिवहन करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 1 अद्धा, कुल 10 आग्नेय शस्त्र सहित 1 मोटरसाइकिल की जब्त, 1,75,000 का मसरूका किया बरामद। उपरोक्त बड़ी कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देने में थाना प्रभारी करणवास, उप निरीक्षक संदीप सिंह मीणा एवं उनकी टीम में प्रधान आरक्षक मंगल सिंह, प्रधान आरक्षक धन सिंह यादव, गोपाल सिंह, सुनील सिंह राजावत, रामकरण यादव, रविंद्र सिंह गुर्जर, सुघर सिंह, संजय गोड़, धर्मेंद्र शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। जो पिस्टल है वो 25,000 रुपये एक बाजार मूल्य होता है इनका, 75,000 रुपये है और मोटरसाइकिल मिला के टोटल कीमत 1,75,000 रुपये के आसपास है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि खरगोन और उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर अवैध शस्त्रों के निर्माण का कार्रवाई की जाती है, निर्माण किया जाता है। उसके संबंध में इससे जब पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम अभी निकल कर आया है जो गुरबानपुरा थाने का ही रहने वाला है। उसके ऊपर 10,000 रुपये का नाम भी घोषित किया गया, उसके लिए हमारी टीम भी गई है लेकिन अभी तक उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई है। जल्दी हमें उम्मीद है कि उसको पकड़ने में भी हमें सफलता मिलेगी। इसके संबंध में अपने खरगोन पुलिस अधीक्षक साहब से भी और मुझे उम्मीद है कि और भी इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ आते थे, सप्लाई करते थे या ट्रांसपोर्ट करते थे, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी करणवास, उप निरीक्षक संदीप सिंह मीणा और उनकी टीम मंगल सिंह, धन सिंह यादव, गोपाल सिंह, सुनील सिंह, रामकरण यादव, रविंद्र सिंह गुर्जर, माननीय डीजी सर और सीएम साहब के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से एक मुद्दा अभियान चलाया जा रहा है और जो भी लोग इस तरह की असामाजिक गतिविधियों में हैं उन सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच 23 अगस्त को करणवास थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, इसका डिस्क्रिप्शन है, इस तरह का व्यक्ति संभवतः इस तरह के अवैध गतिविधियों में तस्करी करने के मामले में यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। उन्होंने तत्काल इस सूचना के संबंध में SDO की मैडम किरण और एडिशनल एसपी साहब बहुत जल्दी को अवगत कराया और उसके बाद रास्ते में चेकिंग आई MY 6488 है, ये इसको रोकने का प्रयास किया गया, इसने भागने की काफ़ी कोशिश की गई, आगे जाके एक क्रशर के पास इसको रोका गया। तब इसने अपना नाम महेंद्रपुर गोलू पिता पन्नालाल राठौर, 23 साल, सिरवेल महादेव भगवान मंदिर के पास भगवानपुरा थाना और जिला त्रिभुवन का इसने अपना एड्रेस बताया। जब इससे पूछताछ की गई और इसकी तलाशी ली गई तो इसमें से करीब 3 पिस्टल और 6 अलग अलग प्रकार के देसी कट्टे, 9 कारतूस, 1 देसी अद्धा जो कट्टानुमा बंदूक होती है वो, इस तरह से टोटल 10 फायर आर्म्स और 9 कारतूस बरामद किए गए।